अकबर किले के बंद दरवाजे अब खुले रहने वाले हैं। इस पर सियासत भी छिड़ गई है और कहा जाने लगा है कि क्या अयोध्या की तरह अब अकबरी किले पर भी दावा जताया जाने लगा है। ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये कि प्रयागराज में अर्ध कुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को अब निराश लौटना नहीं होगा। श्रद्धालुओं को अकबरी किले में अक्षयवट और सरस्वती कूप दर्शन के लिए मन मसोस कर नहीं लौटना होगा, क्योंकि 435 साल बाद अकबरी किले के दरवाजे खुल रहे हैं। 16 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज आए थे तो वो खुद अकबरी किले गए थे और उन्होंने अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन किया था। मोदी ने उसी वक्त कहा था कि अब हर कोई यहां आकर दर्शन कर सकेगा। कई पीढ़ियों से अक्षयवट किले में बंद था, लेकिन इस बार यहां आने वाला हर श्रद्धालु प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षयवट के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद से ही कुंभ मेला प्राधिकरण की तरफ से अकबरी किले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और रास्ते तैयार किए जाने लगे हैं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद रक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और वो श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए और बाहर उनके निकास के लिए रास्ता तैयार हो रहा है। तेजी से इस पर काम चल रहा है। अभी अकबरी किला आर्मी के अधीन है, जिसमें आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सरकार की हरी झंडी के बाद अब यहां हर कोई आराम से आ जा सकेगा और दर्शन कर सकेगा। कुंभ में पहली बार जो श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे वो अकबर किले में अक्षयवट और सरस्वती कूप भी जा सकेंगे, क्योंकि इससे पहले बताया जाता है कि अक्षयवट और सरस्वती कूप तक लोग नहीं जा सकते थे। हालांकि यहां पर एक पाताल पुरी का अक्षयवट मंदिर है जहां पर हमेशा दर्शन होते हैं, लेकिन उससे कुछ दूरी पर एक और अक्षयवट है जो कि बताया जाता है कि पुराणों में, वेदों में उसका काफी महत्व है। वहां तक कोई नहीं जा सकता था, अब वहां तक भी श्रद्धालु जा सकेंगे। सरस्वती कूप का बाहरी हिस्सा लोग देख पाते थे, लेकिन भीतरी हिस्सा नहीं देख पाते थे, वहां तक नहीं जा सकते थे। अब उसकी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि श्रद्धालु सरस्वती कूप तक पहुंच सके। तो कुंभ में अब अकबर किला आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोला जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो चार सदियों से नहीं हो पाया वो अब मुमकिन हो रहा है। योगी ने तो ये भी ऐलान किया है कि अकबरी किले में सरस्वती कूप पर सरस्वती की भव्य प्रतिमा भी लगेगी। 450 वर्षों के बाद श्रद्धालुजनों को प्रयागराज में अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन की भी सौभाग्य प्राप्त होंगे। इतने वर्षों के बाद पहली बार हम इसको आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने जा रहे हैं। सरस्वती कूप पर 10 फीट ऊंची सरस्वती प्रतिमा लगाई जाएगी जो फाइबर की होगी। एक एजेंसी को ये काम सौंपा गया है और कुंभ शुरू होने से पहले ये प्रतिमा स्थापित भी कर दी जाएगी। माँ सरस्वती की प्रतिमा लगभग 10 फीट ऊंची बनाई जा रही है और इसमें इसका काम तेजी से चल रहा है। फाइबर में ये प्रतिमा बनाई जा रही है, समय दिया गया है एजेंसी को और उम्मीद है जिस तरह से काम चल रहा है 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अकबरी किले के दरवाजे खोले जाने के ऐलान से साधु संत बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि बगैर अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन के संगम स्नान शुभ नहीं होता, लेकिन अब श्रद्धालुओं को ये मलाल नहीं रहेगा। और सरस्वती कूप का दर्शन करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है और यह है यात्रियों के लिए, प्रयाग जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत शुभ है, क्योंकि अक्षयवट का परिक्रमा, अक्षयवट की पूजा, अक्षयवट का दर्शन यह बहुत आवश्यक होता है। लंबा समय से हिंदुओं की, सनातनियों की एक निष्ठा श्रद्धा की सवाल थी जो बहुत दिन के बाद पूरी हुई है और इस मामले में हम प्रधानमंत्री जी को और मेला अधिकारी कमिश्नर साहब और जो सुरक्षा कर्मी है इन सबकी भूरभूरी प्रशंसा करता हूँ। अकबरी किले को सार्वजनिक करने के फैसले का बीजेपी सरकार ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन इस फैसले ने सियासत को भी हवा दे दी है।
विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के फैसले के पीछे की नियत नेक नहीं लग रही। अकबरी किले में सरस्वती प्रतिमा लगाए जाने पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं अयोध्या की तरह अकबरी किले पर भी दावा तो नहीं ठोका जा रहा। शरारत तब नजर आती है जब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि न सिर्फ वो दरवाजे कुंभ के मेले के लिए खोले जाएंगे बल्कि उसके बाद वो खुले रखे जाएंगे ताकि हिंदुओं जाके वहाँ पिलग्रिमेज अटेंड किया करें और वहाँ पर कुछ आइडल्स भी रख दिए जाएं। ये एक तरह का बड़ा शरारती बयान है और इस बयान के जरिए खामखा वहाँ एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या वो दूसरे अयोध्या का क्लेम करना चाहते हैं वहाँ पर? योगी जी की सरकार अर्धकुंभ को कुंभ बना रही है, ये अच्छी बात है। आयोजन अच्छा होना चाहिए, भव्य आयोजन होना चाहिए, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से वो अपने सारे कुकर्मों को छिपाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दे वो होने चाहिए जिनसे आवाम से कोई चीज़ें ताल्लुक करती हो, आवाम से उसका कोई सीधा असर पड़ता हो। प्रतिमा लगाने या न लगाने का ताल्लुक हमारे जज्बात से तो हो सकता है, लेकिन हमारे मामलात से और आवाम के मसाइल से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। भले ही अकबरी किले को हमेशा के लिए खुला रखने के फैसले पर सियासत छिड़ गई हो, लेकिन कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये फैसला बड़ी सौगात की तरह जरूर है। प्रयागराज से विशाल पांडे और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।